हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बच्चे करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अच्छे अच्छे क्वेश्चन में हम लोग आज करेंगे, ठीक है। और मैं एनसीईआरटी और आरडी शर्मा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो बच्चों, इसके पहले वाले क्लास में मैंने कराया था आपको ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज मैंने बताया था। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है उसका प्रॉपर्टीज बताया था, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है उसका प्रॉपर्टीज मैंने बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा बच्चों, तो आप YouTube पर सर्च करें मैट्रिसेस 08 बाय मैथ्स वाला, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। और आप वो वीडियो देख के ही इस वीडियो को देखें, तब आपको ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो बच्चों, चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हाँ, तो बच्चों आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैंने भी यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया। क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, वेरीफाई करना हम लोग को ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, हम लोग को वेरीफाई करना। तो चलिए बच्चों, हम लोग कर देते वेरीफाई। तो हम लोग लिखते हैं बच्चों, ए बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू ए ए मैट्रिक्स अब यहाँ पर क्या है -1 -2 -3, और बी मैट्रिक्स के साथ इंटू कर दिया, बी मैट्रिक्स आपका -2 -1 और -4 है, ठीक है बच्चों। यहाँ ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर आपका 3 बाई 1 और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 बाई 3, ठीक है। तो बच्चों, मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन बताया है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो बच्चों, यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि इस मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करें, ठीक है। यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि इस मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करें, मुझे भी हो रहा था जब मैं क्लास 12 में था, ठीक है। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ये आपका है R1, ठीक है बच्चों, ये आपका R2, ये सब आपको पता है, और ये आपका है R3, ठीक है। और ये है आपका बच्चों C1, ये है आपका C2 और ये है आपका C3, ठीक है, ये है। तो मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन में बताया था कि हमेशा जब भी आप मल्टीप्लाई करते हैं दो मैट्रिक्स का, तो हमेशा रो से कॉलम की तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। तो मतलब यहाँ फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट ही रो को सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम, सेकंड रो को थर्ड कॉलम, फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम, फिर थर्ड रो को सेकंड कॉलम, फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम, ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ठीक है। तो चलिए आप लोग मल्टीप्लाई कर दिए बच्चों, चलिए हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा 3 बाई 3 ऑर्डर का बनेगा, ठीक है। तो बच्चों, मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा, 2 1 और 4, ठीक है, 2 1 4 आएगा, फिर आएगा आपका -4 -2 और -8, ठीक है, फिर आएगा आपका -6 -3 और -12 आएगा, ये आएगा आपका मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है बच्चों। ये आपका आ गया ए बी मैट्रिक्स, ठीक है, ये आके आपका आ गया ए बी मैट्रिक्स, ठीक। यहाँ -2 और यहाँ भी -2 ही होना चाहिए बच्चों, यहाँ आपका हो जाएगा, सही किया ना मैंने, 2, हाँ ठीक तो है, ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको हम लोग ए बी का ट्रांसपोज लिख देते हैं, ए बी का ट्रांसपोज यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, ए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में लिख दीजिए, तो यहाँ आपका हो जाएगा 2 1 4 और -4 -2 -8 -6 -3 एंड -12, ये आपका हो गया ए बी ट्रांसपोज, ठीक है, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, हम लोग ने मान लिया इसको नंबर 1, ठीक है, इसको हमने मान लिया नंबर 1, ठीक। अब यहाँ देखिए, अब हम लोग को बी ट्रांसपोज में निकालना है, तो बी ट्रांसपोज आप निकालिए, बी ट्रांसपोज क्या होगा, बी ट्रांसपोज यहाँ पर रो में है, ये आपका रो मैट्रिक्स है, तो इसको कॉलम में लिख दीजिए, तो कॉलम में लिखेंगे तो क्या आएगा, रो को कॉलम में लिख दिया, -2 -1 और -4 हो जाएगा, ठीक है, बी ट्रांसपोज। और ए ट्रांसपोज आप निकाल दीजिए, ए ट्रांसपोज हो जाएगा आपका कॉलम मैट्रिक्स है, तो इसका आप रो में लिख दीजिए, तो रो में लिखेंगे तो आप इसको ऐसे लिखेंगे -1 2 और 3 लिखेंगे, ठीक है, ये आपका ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज आपका मैट्रिक्स निकल गया। अब बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज निकाल दीजिए बच्चों, तो चलिए हम लोग बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज निकाल देते हैं बच्चों। तो बी ट्रांसपोज क्या है, यहाँ पर बी ट्रांसपोज आपका -2 -1 और -4 है, ठीक है, और ए ट्रांसपोज आपका, ए ट्रांसपोज है बच्चों क्या है आपका, -1 2 और 3 है, ठीक है, ये है आपका। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम लोग फर्स्ट मैट्रिक्स को किए ए बी को, वैसे इसको भी करेंगे, इसका ऑर्डर है 3 बाई 1 और इसका ऑर्डर है 1 बाई 3, तो जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा वो कितना ऑर्डर का बनेगा बच्चों, 3 बाई 3, ठीक है, 3 बाई 3। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे फर्स्ट मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई किए ए बी मैट्रिक्स को, इसको भी ऐसे ही करेंगे, तो यहाँ आएगा आपका 2 आएगा, फिर आएगा -4, फिर क्या आएगा 2 आएगा, -4 आएगा और 2 4 -6, ठीक है, फिर आएगा आपका 1, फिर आएगा आपका -2, फिर आएगा आपका -3,
ठीक है, फिर आपका आएगा 4, फिर आपका आएगा माइनस 8 और फिर आपका आएगा माइनस 12। तो इसको आप मान लीजिए बच्चों इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इसको आप 2 मान लीजिए, ठीक है, क्या मान लीजिए आपको आप लोग बच्चों 2। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए बी का ट्रांसपोज, नीचे दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी टी का ट्रांसपोज इंटू ए टी का ट्रांसपोज, हो गया आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत आसानी से प्रूव्ड हो गया। ठीक है तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, हाँ तो बच्चों आपने दूसरा क्वेश्चन देख लिया और मैंने भी यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लिख लिया। ठीक है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन में दिया हुआ बच्चों इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है और बोला है सेटिस्फाइंग ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 9i3 दिया हुआ है। 9i3 का मतलब आपका हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 9 मतलब 3x3 ऑर्डर का और 9 स्केलर क्वांटिटी से वो मल्टीप्लाइड है। ठीक है, हम लोग को बोला देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, यहाँ पर जो ए और बी है उसका हम लोग को वैल्यूज निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ बच्चों, गिवन आपका दिया हुआ है ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 9i3 दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, तो आप इसी इक्वेशन से आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ए मैट्रिक्स क्या है, 1 2 2, ठीक है, फिर क्या है 2 1 माइनस 2 और है ए 2 और बी है, ये आपका है ए मैट्रिक्स, और आप इसी का ए ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर ए ट्रांसपोज ए इंटू ए ट्रांसपोज है। ए ट्रांसपोज आप इसको लिख दीजिए, रो को कॉलम में लिख दिया, तो 1 2 2 फिर 2 1 माइनस 2 और फिर ए 2 एंड बी, ये आपको हो गया ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या दिया हुआ बच्चों, 9 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का। 3x3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स यही होता है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये सब मैंने आपको बताया है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, यहाँ हो गया, अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आपको तो मल्टीप्लाई करना बाहर ही किया होगा, तो इसको चलिए हम लोग जल्दी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आएगा 1 प्लस 4 प्लस 4, ठीक है 1 प्लस 4 प्लस 4, फिर क्या आएगा 2 प्लस 2 माइनस 4, ठीक है 2 प्लस 2 माइनस 4, फिर क्या आएगा बच्चों a प्लस 4 प्लस 2b, ठीक है a प्लस 4 प्लस 2b, ठीक है, आप सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो क्या आएगा 2 प्लस 2 माइनस 4, फिर क्या आएगा 2 प्लस 1 आएगा ना, 2 प्लस 1 प्लस 4, 2 2 या 4 होगा, यहाँ पर 2 2 या 4 प्लस 1 प्लस 4 आएगा, यही आएगा 4 प्लस 1 प्लस 4 ही आएगा। ठीक है, यही आएगा ना, क्या आएगा 2 2 या 4 प्लस 1 प्लस 4, ठीक है, अब थर्ड कॉलम के साथ कीजिए तो क्या आएगा 2a प्लस 2 माइनस 2b, यही आएगा 2a प्लस 2 माइनस 2b, ठीक है, अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम क्या आएगा a प्लस 4 प्लस 2b, ठीक है, सेकेंड कॉलम के साथ 2a प्लस 2 माइनस 2b, ठीक है, ये आएगा ना 2a प्लस 2 माइनस 2b, ठीक है, फिर ये आएगा आपका a² प्लस 2b प्लस b², ठीक है, a² प्लस 4 होगा ना, बहुत गलती कर रहा हूँ आज मैं, a² प्लस 4 प्लस b², ठीक है, 2 2 जो 4 होता है, ठीक है, इज इक्वल्स टू आपका मैट्रिक्स दिया हुआ 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा 9 0 0 0 9 0 और 0 0 9, यही आएगा। ठीक है, यही आएगा बच्चों, यही आएगा। अब आगे आप देखिए, अब हम लोग यहाँ पर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स लेंगे, थोड़ा सा और आगे सॉल्व भी कर लेते क्या, हाँ चलिए सॉल्व भी कर लेते थोड़ा सा आगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 5 6 9, ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, +4 -4 0 और फिर ये हो जाएगा आपका a+4+2b, ठीक है a+4+2b, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 9 और ये क्या हो जाएगा 2a+2 -2b, ठीक है, ये आपका हो जाएगा a+4+2b, ये आपका हो जाएगा 2a+2 -2b, ये आपका हो जाएगा a² + 4 + b², ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपका मैट्रिक्स क्या है 9 0 0 0 9 0 और 0 0
9 है, ठीक है बच्चों, ये आपका है मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स लगाते हैं। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स लगाते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, नीचे दिख रहा आपको, या फिर साइड में बताऊँ, साइड में बताता हूँ, ठीक है, साइड में बताता हूँ प्लीज। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, a+4 + 2b इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 0 फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, a+2b इज इक्वल्स टू -4, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, अब इसको देखिए, a+2 - 2b 2a है ना, 2a + 2 - 2b इज इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2a - 2b इज इक्वल्स टू -2 लिख सकते हैं, इसको आप मान लीजिए 2। आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप बच्चे सॉल्व कीजिए। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या है बच्चों, a+2b इज इक्वल्स टू -4, और 2 क्या है, 2a - 2b इज इक्वल्स टू -2। प्लस माइनस कर दिया, यहाँ पर आ गया आपका 3a इज इक्वल्स टू -6, ये आपका आ गया -2, क्या आ गया है -2। ए का वैल्यू कोई भी क्वेश्चन पुट कीजिए, तो मैं पहला में कर रहा हूँ, a+2b इज इक्वल्स टू -4, ए का वैल्यू -2 + 2b इज इक्वल्स टू -4, 2b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -2, और b आपका हो गया -1। तो a और b का वैल्यू हम लोग बच्चों मिलकर आ गया 2 - 2 एंड -1। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, हाँ तो बच्चों आपने क्वेश्चन देख लिया और मैंने भी यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बोला सेटिस्फाइज द इक्वेशन ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का है। ठीक है, तो हम लोग को बोला है एक्स वाई एंड जेड का वैल्यू निकालें, तो पहले पिछला ही क्वेश्चन जैसा है बच्चों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए मैं करा ही दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको वो समझ में आ गया तो आप एक बार पॉज करके खुद से करने का कोशिश करें। ठीक है, वैसे आप कर ही लेंगे। ठीक है, तभी मैं करा दे रहा हूँ। ठीक है, जो जो बच्चों से नहीं हो रहा है उससे मैं उनके लिए मैं करा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर दिया हुआ गिवन ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू i3 आपका गिवन दिया हुआ। ठीक है, यहाँ आपका गिवन दिया हुआ। ठीक है बच्चों, ये आपका है गिवन, पुट कीजिए a ट्रांसपोज निकाल दीजिए, रो को कॉलम में लिख देते 0 2y z हो गया, फिर x y और -z हो गया, फिर क्या हो गया x - y एंड z हो गया। ठीक है, और ए मैट्रिक्स क्या है बच्चों, ए मैट्रिक्स आपका 0 2y z x y - z और x - y और z है। ठीक है, इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ 3x3 ऑर्डर का, तो ये क्या हो जाएगा 3x3 1 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है बच्चों, ये आपका 1 है। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, आप सॉल्व कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करना तो अभी तक आपको आ ही गया होगा, एक्सपर्ट हो गए होंगे आप मल्टीप्लाई करने में। ठीक है, चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 0 + x² + x² हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 0 + xy - xy हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 0 - zx + zx हो जाएगा। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका 0 + yx - yx हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 2y² + y² + y² हो जाएगा। ठीक है, 2y² यहाँ 4y² होगा ना, 4y² 2 × 4y² + y² + y² हो जाएगा बच्चों। ठीक है, फिर ये होगा आपका 2yz - zy - zy। ठीक है, यही होगा। ठीक है बच्चों, अब फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ तो क्या होगा 0 - zx + zx ये हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका 2yz - zy - zy। ठीक है, 2yz - zy - zy। ठीक है, फिर होगा आपका z² + z² + z² यही होगा बच्चों। ठीक है, इज इक्वल टू आपका है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 है। ठीक है, यही है। अब आगे थोड़ा सॉल्व कीजिए बच्चों, थोड़ा सा सॉल्व कीजिए आगे में, देखिए सॉल्व करने पर क्या मिलता है हम लोग को। ये हो गया आपका x² + x² 2x². ठीक है, ये आपका 0 हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ आप 0 लिख देंगे, ये भी आपका 0 हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा 0, ये भी आपका 0, यहाँ आपका हो जाएगा 4 5 6y² 6y² हो गया,
ये आपका माइनस टू वाई जेड प्लस टू वाई जेड जीरो हो गया, ये भी कट जाएगा जीरो हो जाएगा, ये भी कट जाएगा जीरो ही हो जाएगा, और यहाँ आपका हो जाएगा थ्री जेड स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू आपका मैट्रिक्स है बच्चों क्या है, वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन। ठीक है, ये है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ मैं थोड़ा साइड में बता रहा हूँ, ठीक है ठीक है, साइड में बता रहा हूँ। यहाँ पर आप टू एक्स स्क्वायर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से क्या लिख सकते हैं, टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई टू लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई टू, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन बाई रूट टू लिख सकते हैं, तो एक्स का वैल्यू आ गया प्लस माइनस रूट टू। और फिर लिख सकते हैं आप सिक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन, सिक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई सिक्स आ गया बच्चों, क्या आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई सिक्स, तो वाई आपका क्या आ गया बच्चों प्लस माइनस वन बाई रूट सिक्स। यहाँ प्लस माइनस इसलिए होगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर में आता प्लस माइनस होगा ही होगा, ठीक है, क्यूब रहता तो नहीं होता, ठीक स्क्वायर इसलिए प्लस माइनस। थ्री जेड स्क्वायर, थ्री जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ठीक है, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई थ्री, तो जेड इज इक्वल टू वन बाई रूट थ्री प्लस माइनस। ठीक है, ये हो गया। तो बच्चों आपका आ गया x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया, और z का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, हाँ तो बच्चों आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा और मैंने भी यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया है। क्वेश्चन में दिया होगा बच्चों फॉर टू मैट्रिसेस ए एंड बी, एक ए मैट्रिक्स दिया और बी मैट्रिक्स दिया, और हम लोग को बोला वेरीफाइड ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, हम लोग को वेरीफाई करना है। वीडियो पॉज करें, खुद से करने का ट्राई करें, और नहीं होता तो मैं तो अभी बताऊंगा ही। तो चलिए बच्चों हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग को वेरीफाई करना है ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, हम लोग को दिखाना है। ठीक है, यहाँ पर दिखाना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ए बी निकाल देते हैं बच्चों, ए बी आप निकाल दीजिए। ठीक है, ए ए मैट्रिक्स क्या है बच्चों, यहाँ पर ए मैट्रिक्स आपका टू वन थ्री फोर वन जीरो, ये आपका ए मैट्रिक्स है। ठीक है, और बी मैट्रिक्स क्या है बच्चों, बी है आपका वन जीरो फाइव और माइनस वन टू जीरो। ठीक है, ये आपका बी मैट्रिक्स। यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या है बच्चों, इसका ऑर्डर है टू बाई थ्री, इसका ऑर्डर क्या है थ्री बाई टू। ठीक है, तो न्यू मैट्रिक्स क्या बनेगा, टू बाई टू ऑर्डर का बनेगा। ठीक है, तो न्यू मैट्रिक्स आपका बनेगा टू बाई टू ऑर्डर का, तो इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा टू प्लस जीरो प्लस फिफ्टीन। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा माइनस टू प्लस टू प्लस जीरो आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ आपका आ जाएगा फोर प्लस जीरो प्लस जीरो, ये आ जाएगा। ठीक है, फोर प्लस जीरो प्लस जीरो। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा माइनस फोर प्लस जीरो, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखिए आगे, सो थोड़ा आप और आगे सॉल्व करिए, यहाँ क्या आ गया सेवनटीन, यहाँ तो जीरो हो गया, यहाँ क्या हो गया फोर, और यहाँ हो गया बच्चों आपका जीरो। ठीक है, यहाँ गलती कर दी मैं, यहाँ माइनस फोर और यहाँ टू होगा, माइनस फोर प्लस टू, तो यहाँ आपका हो जाएगा माइनस टू। ठीक है, ये हो गया बच्चों आपका, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को मिला सेवनटीन जीरो फोर और माइनस टू मिला। ठीक है, सेवनटीन जीरो फोर और माइनस टू मिला। ठीक, अब हम लोग इसका ए बी ट्रांसपोज निकाल देते हैं, ए बी ट्रांसपोज। ठीक है बच्चों, तो ए बी ट्रांसपोज क्या होगा, जो रो है उसको कॉलम में लिख देते, क्या हो जाएगा सेवनटीन जीरो फोर और माइनस टू, ये हो गया बच्चों आपका वन। ठीक है, ये हो गया आपका वन। अब हम लोग को बी ट्रांसपोज निकालना है, तो बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बच्चों, रो को कॉलम में लिख दिए, तो हो जाएगा बच्चों वन माइनस वन जीरो टू और फाइव जीरो, ये आपका हो गया बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज भी लिख दीजिए, ए ट्रांसपोज हो जाएगा आपका, ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, जो रो है उसको कॉलम में लिख दीजिए, क्या हो जाएगा टू वन थ्री और फोर वन जीरो। ठीक है, ये हो गया आपका ए ट्रांसपोज। अब हम लोग को बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज निकालना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज निकाल दीजिए बच्चों। चलिए हम लोग बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज निकालते हैं, तो ये वन जीरो फाइव माइनस वन टू जीरो। ठीक है, ये हो गया बच्चों आपका बी ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज आपका टू वन थ्री और फोर वन जीरो, ये आपका हो गया ए ट्रांसपोज। मल्टीप्लाई कीजिए क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए क्या मिलता है, इसका ऑर्डर क्या है टू बाई थ्री, इसका ऑर्डर क्या है थ्री बाई टू, न्यू मैट्रिक्स मिलेगा टू बाई टू ऑर्डर का। चलिए मल्टीप्लाई करते थे, इसका हो जाएगा टू प्लस जीरो प्लस फिफ्टीन। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका फोर प्लस जीरो प्लस जीरो। ठीक है, क्या हो जाएगा फोर प्लस जीरो प्लस जीरो,
फिर हो जाएगा बच्चों आपका माइनस टू प्लस टू प्लस जीरो, ठीक है। फिर हो जाएगा आपका माइनस फोर प्लस टू माइनस फोर प्लस टू प्लस जीरो, ये हो गया आपका, ठीक है। और यहाँ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखिए क्या आएगा, सेवनटीन फोर जीरो और माइनस टू, ये हो गया आपका टू, टू नंबर इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों फ्रॉम वन एंड टू, नीचे दिख रहा है, अब दिख रहा होगा फ्रॉम फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू, ठीक है, नीचे दिख रहा ना, हाँ दिख रहा, फ्रॉम वन एंड टू हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, है ना, ये हो गया आपका वेरीफाइड, ठीक है। हम लोग ये वेरीफाई करना था, ये आपका वेरीफाइड हो गया, देखिए इक्वल है सेवन फोर जीरो माइनस टू, सेवनटीन फोर जीरो माइनस टू और सेवनटीन फोर जीरो माइनस टू आपका हो गया वेरीफाइड, ये था आपका क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, हाँ तो बच्चों आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैंने भी यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स ए इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है, ट्रांसपोज का मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, हम लोग को बोला है ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज निकालने, तो चलिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, निकाल दीजिए, ठीक है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज पहले से आपका दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज क्या दिया हुआ बच्चों, थ्री माइनस वन जीरो और फोर टू वन दिया हुआ, ठीक है, ये आपका दिया हुआ ए ट्रांसपोज, और माइनस आपका करना है बी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज लिख दीजिए, जीरो है सो कॉलम में लिख दिए, तो माइनस वन टू वन और वन टू थ्री, ये हो गया आपका बी ट्रांसपोज, माइनस कर दीजिए क्या आएगा, माइनस करने के बाद आएगा आपका ए वन वन, ए वन वन के साथ माइनस होता है, ए वन टू के साथ माइनस होता है, ये सब आपको पता है, ठीक है। माइनस कर दिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, थ्री प्लस वन फोर, यहाँ फोर माइनस वन क्या हो जाएगा थ्री, फोर माइनस वन थ्री, फिर माइनस वन और माइनस टू माइनस थ्री, टू माइनस टू जीरो, फिर जीरो माइनस वन और वन माइनस थ्री टू, ठीक है। एक बार चेक कर लेता हूँ जी, फोर फिर फोर और थ्री, फिर माइनस वन माइनस वन माइनस माइनस थ्री, ठीक है, टू माइनस टू जीरो, ठीक है। एक बार मैं बच्चों आंसर चेक कर लेता हूँ, ठीक है, आंसर मैं आपको फोर वन थ्री जीरो टू, हाँ ठीक है बच्चों, आंसर भी ठीक है। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन, बहुत आसानी से सॉल्व हो गया, एक लाइन का क्वेश्चन ही था, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, हाँ तो बच्चों आपने क्वेश्चन पढ़ लिया और मैंने भी यहाँ क्वेश्चन लिख लिया है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, हम लोग को बोला है ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स टू बाई टू ऑर्डर का आना चाहिए, हम लोग को वेरीफाई करना है, ठीक है। चलिए वेरीफाई कर देते हैं, तो यहाँ पर लोग क्या वेरीफाई करना है, ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल्स टू आई टू हम लोग को दिखाना है, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज क्या है, ए ट्रांसपोज लिख दीजिए, जो रो में सो कॉलम में लिख दीजिए, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक है, ये आपका ए ट्रांसपोज। और ए मैट्रिक्स क्या बच्चों, ए मैट्रिक्स आपका कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, मल्टीप्लाई करना तो आपका बाएं हाथ का खेल हो गया होगा, है ना, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, फिर माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है, फिर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर क्या आएगा बच्चों, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हो गया। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, वन ये प्लस माइनस कर जाएगा जीरो, ये भी प्लस माइनस कर जाएगा जीरो, और ये हो गया वन, ये क्या आया, आई टू आया, आया ना आई टू, तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल्स टू आई टू वेरीफाइड, हो गया बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन था, मजा आया, मजा आया तो कमेंट में लिखे, मजा आया, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, हाँ तो मित्रों आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा हाँ तो देवी और सज्जनों आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, या फिर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ, क्या दिया हुआ, इफ एल वन एम वन एंड एम एल सॉरी एल आई एम आई और एन आई, और जो आई बिलोंग करता है वन टू थ्री, डिनोट्स द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स इन स्पेस,
प्रूव दैट ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, वेयर ए मैट्रिक्स दिया हुआ है आपका ये, ठीक है देवियर सज्जनो ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रूव करते हैं, हम लोग को प्रूव करना है क्या है, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। ये तो आपका बाएं हाथ का खेल हो गया होगा बच्चों, लेकिन ये क्वेश्चन बाएं हाथ का नहीं है, इसमें थोड़ा सा आपका प्रॉपर्टीज यूज होगा, वेक्टर का प्रॉपर्टीज यूज होगा जो आपने अभी पढ़ा नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं करके, तो ए मैट्रिक्स क्या है बच्चों, ए मैट्रिक्स आपका एल वन एल टू और एल थ्री, फिर है एम वन एम टू और एम थ्री, फिर है आपका एन वन एन टू एंड एन थ्री है, ठीक है। और ए ट्रांसपोज लिख दिया बच्चों, ए ट्रांसपोज तो आपको रटा गया होगा है ना, लिख दीजिए एल वन एम वन एंड एन वन, एल टू एम टू एंड एन टू, फिर एल थ्री एम थ्री एंड एन थ्री, यही होगा बच्चों, होगा ना। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई तो आप कर ही लिए होगा अभी तक मुझे लगता है। चलिए मल्टीप्लाई करने क्या आएगा, एल वन का स्क्वायर प्लस एम वन का स्क्वायर प्लस एन वन का स्क्वायर, ठीक है ये आएगा। फिर कीजिए एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू, फिर कीजिए एल वन एल थ्री प्लस एम वन एम थ्री, दिख रहा ना एम वन एम थ्री प्लस एन वन एन थ्री, ठीक है बच्चों। फिर कीजिए क्या आएगा, एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एम टू, फिर क्या आएगा एल टू का स्क्वायर प्लस एम टू का स्क्वायर प्लस एन टू का स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या आएगा बच्चों, एल टू एल थ्री प्लस एम टू एम थ्री प्लस एन टू एन थ्री, एन टू एन थ्री, ठीक है। फिर क्या आएगा बच्चों, एल वन एल थ्री, फिर क्या आएगा बच्चों एम वन एम थ्री, फिर क्या आएगा बच्चों एन वन एन थ्री, ठीक है। फिर क्या आएगा बच्चों, एल टू एल थ्री, फिर क्या आएगा एम टू एम थ्री, फिर क्या आएगा एन टू एन थ्री, फिर क्या आएगा बच्चों एल थ्री का होल स्क्वायर, एल थ्री का स्क्वायर प्लस एम थ्री का स्क्वायर और एन थ्री का स्क्वायर, ठीक है यही आएगा, ठीक है बच्चों। तो देवी अरसा जुनू यही आएगा, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ याद रखेंगे, या फिर याद आपको अभी रखना नहीं है, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, ठीक है। ये जो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होता है, वेक्टर में होता है आपका वन होता है, ठीक है। अब ये क्यू वन होता है, ये अब आपको वेक्टर में ही पता चलेगा। बस अब अभी इतना याद रखें, जो एल वन स्क्वायर प्लस एम वन स्क्वायर प्लस एन वन स्क्वायर है उसका वैल्यू वन होगा, और एल टू स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर प्लस एन टू स्क्वायर का वैल्यू वन होगा, और एल थ्री स्क्वायर प्लस एम थ्री स्क्वायर प्लस एन थ्री स्क्वायर का वैल्यू वन होगा, और एल वन एन टू एम वन एन टू और एम वन ये सब जितना है ये सब का वैल्यू जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और डॉट प्रोडक्ट में परपेंडिकुलर में जीरो होता है, ठीक है। ये भी आपको समझ नहीं आ रहा होगा मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं वेक्टर पढ़ाऊंगा उसमें आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो अभी आप इतना याद रखें, इसका वैल्यू वन होगा, इसका वैल्यू जीरो होगा, इसका वैल्यू जीरो होगा, इसका वैल्यू जीरो होगा, इसका वैल्यू वन होगा, इसका वैल्यू जीरो होगा, इसका वैल्यू जीरो होगा, इसका वैल्यू जीरो होगा, और इसका वैल्यू वन होगा। बस अभी आप इतना याद रखें, वेक्टर में जब मैं पढ़ाऊंगा डायरेक्शन को साइन तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों होता है और कैसे होता है, ठीक है। तो देवी सर जो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये आपका आ गया आई थ्री। तो ये हो गया आपका प्रूफ्ड, ठीक है। ये आपका हो गया क्या बच्चों, प्रूफ्ड, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया प्रूफ। तो देवी अरसद जनो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इसका, हाँ तो देवी अरसद जनो से पहले मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन जितना था वो था आपका ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का, इतना क्वेश्चन मैंने कराया। अब मैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, तो वो होगा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के से क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो देवी अरसद जनो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, हाँ। तो बच्चों क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन नहीं लिखा है, सिर्फ ये मैट्रिक्स लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स दिया हुआ, ठीक है। बोला है जिसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो बोला फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, हम लोग को ए बी और सी का वैल्यू निकालना, ठीक है। तो आपने, मुझे पता है कि आपने 08 लेक्चर देख लिया होगा, उसमें मैंने स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज बताया। इसमें प्रॉपर्टी जितना क्वेश्चन मैं कराऊंगा बच्चों सब में प्रॉपर्टीज यूज होने वाला है, ठीक है, सब में। तो आप
तो अगर नहीं देखा है तो अभी आप वीडियो ये वाला बंद करें और जाकर वो वीडियो देखें, ठीक है। और आप देख लें तो आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग ए बी और सी का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इधर से मैं बता रहा हूँ। तो आपको पता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए आता है, ये आपको पता है, मैंने बताया है प्रॉपर्टीज में, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ट्रांसपोज लिखना तो बाएं हाथ अकेले बच्चों, जीरो ए थ्री टू बी माइनस वन सी वन जीरो हो गया ट्रांसपोज, रो को कॉलम में लिख दिए, ठीक है। इज इक्वल टू माइनस ए आएगा, माइनस ए मैट्रिक्स लिख दीजिए, ए मैट्रिक्स क्या, जीरो ए थ्री टू बी माइनस वन सी वन जीरो, ठीक है, ये हो गया। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई ए अंदर डाल दीजिए, क्या होगा, जीरो टू सी ए बी वन और थ्री माइनस वन जीरो, ठीक है, ये हो गया बच्चों। अब अंदर माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा, जीरो माइनस ए थ्री माइनस टू बी वन माइनस सी माइनस वन और जीरो, माइनस सी माइनस वन और जीरो, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स यूज कर सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस ए इज इक्वल टू टू, तो ए इज इक्वल टू आपका डायरेक्ट आ गया माइनस टू, ए इज इक्वल टू डायरेक्ट आपका आ गया माइनस टू, ठीक है। फिर यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ माइनस बी होगा ना, माइनस बी, ठीक है, तो बी इज इक्वल टू आप माइनस बी लिख सकते हैं, तो टू बी इज इक्वल टू आप जीरो लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू क्या आ गया जीरो, ठीक है। और लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, सी इज इक्वल टू आप थ्री लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, ठीक, सी इज इक्वल टू आपका थ्री आ गया, ठीक है, सी थ्री ही आएगा ना, ए वन थ्री थ्री, हाँ ठीक है, थ्री आएगा, ठीक, सी हो गया आपका थ्री, ठीक है बच्चों। ये हो गया क्वेश्चन आपका सॉल्व, शायद आपको ये वाला नहीं दिखा होगा, देख लीजिए, ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब मैं इसका आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ, इसको आप शॉर्ट में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इसका शॉर्टकट ट्रिक भी देख लीजिए, काम आएगा, देख लो दोस्तों, हर चीज काम आता है पढ़ाई में। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है ए मैट्रिक्स, क्या दिया हुआ बच्चों, ए मैट्रिक्स दिया हुआ आपका जीरो ए थ्री, शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है ना, टू बी माइनस वन और सी वन जीरो, ठीक है, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप माइंड में ही सॉल्व कर लेंगे ए बी और सी का वैल्यू। तो आपको पता है स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैंने आपको ड्रॉ करना बताया कि कैसे ड्रॉ होता है, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल सब जीरो होता है, ठीक है, आपको पता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और उसका डायगोनल जीरो होता है, ठीक, इतना बताया, ठीक। तो आपका डायरेक्ट आपका बी का वैल्यू क्या आ गया, जीरो, क्योंकि डायगोनल में आ रहा बी, जीरो लिख दिए। और मैंने आपको बताया है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो यहाँ आपका है टू, यहाँ आपका टू है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू डायरेक्ट माइनस टू लिख देंगे, ठीक, ठीक। और यहाँ आपका सी थ्री है, यहाँ थ्री है तो सी आपका डायरेक्ट माइनस थ्री आ गया, ठीक है, यहाँ थ्री है तो यहाँ माइनस थ्री होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपका उल्टा होता है, ठीक है, डायरेक्ट हो गया आपका जी बी जीरो ए माइनस टू सी थ्री, यहाँ भी तो वही आया बी जीरो ए माइनस टू सी थ्री, ठीक है, ये हो गया आपका शॉर्टकट ट्रिक, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर एमसीक्यू में, ये सब एमसीक्यू में ही आता है क्वेश्चन, ये सब इसमें नहीं आता, ठीक है, इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन कराऊँ क्योंकि आपका एमसीक्यू का भी तैयारी हो जाए, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, हाँ तो बच्चों आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, अगर मैंने भी यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन में दिया हुआ है लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन हम लोग को प्रूव करना है ए प्लस ए टी आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सॉरी ए प्लस ए टी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोग को दिखाना है, ए माइनस ए टी आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा आपको दिखाना है, ए इंटू ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इंटू ए आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ये भी आपको दिखाना है, ठीक है। तो दिखाने से पहले एक गाना सुन लीजिए, जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता, ऐसा कुछ नहीं बच्चों, प्यार मोहब्बत के चक्कर में ना ही पड़े तो अच्छा है, लेकिन आप लोग ने तो प्यार मोहब्बत में पढ़ना ही है, प्यार मोहब्बत में ना ही पढ़े तो अच्छा है बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, बहुत मजाक हो गया, अब क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए सीरियस। तो हम लोग को फर्स्ट में प्रूव करना है, आपको बोला है ए इज इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिक्स, ए क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, आपका क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हम लोग को दिखाना है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है, चलिए हम लोग दिखा देते हैं। आप लोग ए प्लस ए ट्रांसपोज को
आप लोग मान लीजिए P मान लीजिए, ठीक है, A प्लस A ट्रांसपोज आप लोग P मान लीजिए, तो हम लोग को पता है, आपको क्या पता है, मैंने बताया है प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बताया है। अगर आपको कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जैसे कोई A आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर आप उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, A ट्रांसपोज अगर कोई A मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर आपको उसका A ट्रांसपोज निकाल देंगे, उसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकाल देंगे, तो वो कितना A ही के बराबर आएगा, ये आपको प्रॉपर्टीज में मैंने बताया। तो अगर हम लोग लिखें P ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों, और P ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, A ट्रांसपोज ये डिस्ट्रीब्यूटिव में अंदर में अलग अलग हो जाता है, तो A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये सभी मैंने प्रॉपर्टीज आपको सब बताया, ठीक है, ठीक है। फिर P ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, A ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ये भी मैंने आपको बताया, तो P ट्रांसपोज इज इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज, और ये P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P आपका आ गया, ठीक है, ये आपका आ गया P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, A माइनस ए टी, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है बच्चों, A माइनस ए ट्रांसपोज, तो आप इसको क्यों मान लीजिए, ठीक है। अब आपको पता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, जैसे कोई B आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और आप उसको अगर ट्रांसपोज करेंगे, जैसे B मैट्रिक्स आप ट्रांसपोज करेंगे, तो उसका माइनस B के बराबर आएगा, यह मैंने आपको बताया है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज में, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर Q ट्रांसपोज लिखें, तो इसको क्या लिख सकते हैं, A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिख सकते हैं, फिर क्या आएगा, क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, फिर क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए नहीं होता, तो माइनस ए हो जाएगा, क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू, या माइनस को मान लीजिए क्या लिख सकते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस क्यू ही आया, माइनस क्यू आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्यू ट्रांसपोज माइनस क्यू आया, देयरफॉर इट इज स्क्यू सिमेट्रिक, क्या हो गया बच्चों, इट इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है बच्चों, ये भी आपने शो कर दिया कि इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। और आपका थर्ड क्वेश्चन में बोला है ए इंटू ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज इंटू ए आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, चलिए थर्ड भी सॉल्व कर ही लेते हैं। थर्ड में आपका बोला है ए इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है, एंड ए ट्रांसपोज इंटू ए आपका क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। तो आप बच्चों क्या करें, ए इंटू ए ट्रांसपोज को आप क्या मान लें, कुछ मान लीजिए, एम मान लीजिए, ठीक है, एम मान लें। अब आपको पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो वही आएगा, ठीक है। तो ए इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यहाँ पर आप ऐसे लिखें, एम ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एम ट्रांसपोज इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में क्या होता है, उल्टा सा आता है, तो मतलब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये आपका एम ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए इंटू ए ट्रांसपोज आया, एम ट्रांसपोज इज इक्वल टू एम के बराबर आया, आया मित्रों, आया कि नहीं आया, आ गया, तो देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक, ठीक है, इट इज सिमेट्रिक, ठीक है, ये हो गया। हम लोग इसको भी दिखाना है, ए ट्रांसपोज ए को भी दिखाना है, ए ट्रांसपोज ए को आप कुछ भी मान लीजिए, एन मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एन ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का ए ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है बच्चों, लिख सकते हैं, ठीक, एन ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए उल्टा जाएगा तो ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो एन ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए हो जाएगा, यहाँ पर एन ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आया मित्रों, आया कि नहीं आया, आ गया, तो देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक, हो गया बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन था, मज़ा आया, तो कमेंट करें, चैनल को शेयर करें, जितना शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सबको फ़ायदा दें, अब सबको फ़ायदा उठाने का मौका दें, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, हाँ तो बच्चों आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, और मैंने तो क्वेश्चन लिखा ही नहीं कोई बात नहीं, मैं पढ़ के बता रहा हूँ। Prove that every square matrix can be uniquely expressed as the sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix। यहाँ पर बोल रहा है प्रूव करना है कि जो सभी स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं वो यूनिकली एक्सप्रेस्ड होते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, ठीक है, NCERT का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
तो बच्चों हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं एज इक्वल्स टू स्क्वायर मैट्रिक, क्या है एज इक्वल्स टू स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। हम लोगों ने मान लिया लिट सपोज कुछ भी कर लिया, ठीक है, मान लिया एज इक्वल्स टू स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अब हम लोग ए मैट्रिक्स को यहाँ पर हम लोग हाफ ए प्लस एटी लिख दिए, ठीक है, प्लस हाफ ए माइनस एटी लिख दिए। क्यों ऐसा लिखे बच्चों, बोल सकते हैं ना आप का हक है बोलने का, क्यों लिखेंगे हम लोग ऐसा, मेरा मन नहीं है लिखने का, क्यों लिखे हम, मेरा भी मन नहीं था लिखने का जब मैं 12 में था, क्यों लिखेंगे हम, मुझे बताना पड़ेगा आप क्यों लिखे हैं, क्यों लिखे हैं। अब देखिए इसको मैं, दो रीजन है इसको, आप हाफ ए मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हाफ प्लस हाफ एटी, यहाँ प्लस हाफ आएगा प्लस हाफ एटी, यहाँ पर प्लस हाफ आएगा और यहाँ माइनस हाफ एटी आएगा, माइनस हाफ एटी प्लस हाफ एटी कट जाएगा और हाफ प्लस हाफ ए प्लस हाफ ए क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा, मतलब ए ही आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, मैंने आपको पिछले वाला में एक क्वेश्चन कराया था कि ए प्लस एटी को हम लोग ने प्रूव किया था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ए माइनस एटी को हम लोग प्रूव किया था कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मतलब यहाँ पर हम लोग ऐड कर रहे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए प्लस एटी सिमेट्रिक्स और ए माइनस एटी स्क्यू सिमेट्रिक्स, यही हम लोग को दिखाना है कि ये दोनों का सम होता है, ठीक है। चलिए वही, इसलिए मैंने ऐसे लिया है, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं हाफ ए प्लस एटी इज इक्वल्स टू पी और हाफ ए माइनस एटी इज इक्वल्स टू क्यू मान लेते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है, मान सकते हैं। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू, यह आपका आ गया, ठीक है। चलिए पी, पी इज इक्वल्स टू क्या है, पी इज इक्वल्स टू आपका हाफ ए प्लस एटी है बच्चों, हाफ ए प्लस एटी है, ठीक है। तो अगर आप इसका, ये अगर इसका आप ट्रांसपोज निकालें, पी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू हाफ ए प्लस एटी का ट्रांसपोज, ठीक है, हाफ ए प्लस एटी का ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा पी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू हाफ क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यही आएगा, ठीक है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहाँ पर पी ट्रांसपोज आ जाएगा आपका हाफ ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए होता है मैंने आपको बताया है, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू हाफ, इसको हम लोग पहले लिख दें, ए को पहले लिख दे रहे हैं, प्लस ए ट्रांसपोज, ये किसका बराबर है, पी मैंने माना था, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू पी, क्या आया, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसको पी ट्रांसपोज इक्वल टू पी आया, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक, ये हो गया आपका सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक, ठीक है। अब हम लोगों ने क्यू को भी तो माना था, क्यू को भी चेक कर लेते हैं क्या है, क्यू को भी हम लोग चेक कर लेते हैं, वैसे आपको पता ही है क्या है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैंने अभी पिछला क्वेश्चन कराया आपको। तो हाफ ए माइनस एटी है, ठीक है। तो अब इसका ट्रांसपोज निकालिए, हाफ हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। तो क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू हाफ ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। फिर क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू हाफ ए ए ट्रांसपोज माइनस ए, ठीक है, माइनस कॉमन लीजिए, तो क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू हाफ माइनस यहाँ कॉमन लिए तो हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज किसका बराबर आया, क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस क्यू, तो ये आ गया आपका माइनस क्यू, देयरफॉर क्या होता है, ये क्या होगा मित्रों, इट इज स्क्यू सिमेट्रिक, क्या होगा, इट इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक यहाँ पर देख रहे हैं, स्क्यू सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम आ रहा है, देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, देयरफॉर Every square matrix is the sum of symmetric and skew symmetric, ठीक है, skew symmetric, ये हो गया बच्चों आपका आंसर। मजा आया तो और क्या करना है, लाइक कर दीजिए वीडियो को, आप लोग करते नहीं हो, लाइक कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, हाँ, तो मेरे मित्रों, प्यारे मित्रों, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, है ना। क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन so that AB is symmetric if AB is equals to BA,
दैट इज ए एन बी आर कम्यूटेट। क्या है कम्यूट? ए एन बी आर कम्यूट है, ए एन बी आर कम्यूट। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं इसको भी प्रूफ। तो देखिए इसको प्रूफ कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आपका गिवन दिया हुआ है ए बी इज सिमेट्रिक, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी इज सिमेट्रिक, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, ए बी सिमेट्रिक, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो आपको तो मैं अभी बार बार बताते आ रहा हूँ, 100 बार बता चुका हूँ, 100 बार नहीं 10-12 बार बता चुका हूँगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जब करेंगे तो वही मैट्रिक्स आएगा। ठीक, तो ए बी का ट्रांसपोज निकाल दीजिए बच्चों निकाल दीजिए। यहाँ आ जाएगा बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज। ठीक है, आ जाएगा आपका, या फिर आप इसको ऐसे बनाइए। ठीक है बच्चों, आप इसको ऐसे बनाइए, क्या बनाइए, ए बी का ट्रांसपोज क्या आता है, ए बी आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, आता है कि नहीं मित्रों, आता है ना, तो वही आएगा ए बी। अब इसको क्या लिख सकते हैं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए बी। और आपका मित्रों दिया हुआ है, क्या दिया हुआ मित्रों दिया हुआ आपका ए बी इज सिमेट्रिक, मतलब बी और ए सिमेट्रिक है, तो बी ट्रांसपोज का बी हो जाएगा, ए ट्रांसपोज का ए हो जाएगा, इक्वल्स टू ए बी। यही हम लोग को प्रूव करना था और प्रूव हो गया। तो ये हो गया आपका प्रूफ्ड। ठीक है, ये हम लोग को प्रूव करना था, ये हो गया प्रूफ्ड। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यू टकरा गई के आ गई लौट के सदा। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हाँ तो मेरे देवी और सज्जनों आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में मित्रों बच्चों सॉरी मित्रों बच्चों क्वेश्चन में दिया हुआ सो दैट द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज इन ए बी, बी ट्रांसपोज इनटू ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एस ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, हम लोग को दिखाना है। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है चलिए हम लोग इसको करते हैं। तो हम लोग को दिया हुआ है सो दैट बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है चलिए हम लोग केस वन लेते हैं। ठीक है, दो केस इसमें करना है। अगर ए सिमेट्रिक है, इसमें क्वेश्चन में बोल क्या रहा है वो पहले मैं आपको समझाता हूँ। बोल रहा है कि बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा जब ए आपका यहाँ पर ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा तब, और आपको बोल रहा है बी ट्रांसपोज इंटू ए बी आपका स्क्यू सिमेट्रिक होगा जब यहाँ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तब। तो चलिए हम लोग यहाँ पर केस वन लिख लेते हैं। केस वन आपका लिख लेते हैं व्हेन ए इज सिमेट्रिक। ठीक है, व्हेन ए इज सिमेट्रिक। ठीक है बच्चों, व्हेन ए इज सिमेट्रिक तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में वही आएगा, ट्रांसपोज निकालेंगे तो बी क्या आएगा, बी टी प्लस इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, है ना मित्रों, लिख सकते हैं। अब बी ट्रांसपोज ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज और ये हो जाएगा बी। ठीक है, बी ट्रांसपोज इंटू ए बी इंटू ए होगा। ठीक है, इसका हो जाएगा ये। अब आगे देखिए मित्रों, आगे देखिए बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को ए नहीं लिख सकते हैं और बी को बी, ए क्यों लिखेंगे, ए इसलिए लिखेंगे बच्चों क्योंकि यहाँ पर हमने माना है ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, ए के बराबर ही आता है, तो इसको हम लोग यही लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ गया बी ट्रांसपोज ए बी, यहाँ पर वही आ गया बी टी इंटू ए बी, बी टी इंटू ए बी, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। हो गया, बहुत आसानी से सॉल्व। ठीक है, अब केस टू लेते हैं। क्या लेते हैं, केस टू लेते हैं, वो थाना वाला केस नहीं, यहाँ पर दूसरा केस है। क्या क्या समझ लेते हैं बच्चों आप लोग। ठीक है, केस टू लेते हैं। केस टू में लेते हैं व्हेन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्या लेते हैं, व्हेन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, व्हेन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर दिया आपका बी टी ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज हो जाएगा, ए ट्रांसपोज हो जाएगा और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा। होगा कि नहीं मित्रों, ईमानदारी से बोलिएगा मित्रों। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आगे b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज और ये b ट्रांसपोज का ट्रांसपोज b। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं b ट्रांसपोज और इसको हम लोग a ट्रांसपोज क्या लिख सकते हैं, माइनस a और यहाँ पर b लिख सकते हैं। यहाँ आगे देखिए, हम लोग यहाँ माइनस a क्यों लिखेंगे, आपको पता है a ट्रांसपोज जब जब a आपका होता है, a आपका होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तब a ट्रांसपोज का क्या आता है, माइनस a आता है, ये मैंने आपको प्रॉपर्टीज में बताया। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे स्टेप यहाँ पर आपका आ गया b ट्रांसपोज
बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज आपका आ गया बी ट्रांसपोज, यहाँ माइनस बाहर ले यहाँ लिख दी तो माइनस माइनस ए और बी, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया आपका बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज क्या आ गया, माइनस माइनस के बराबर आ गया, बी ट्रांसपोज ए बी माइनस के बराबर आ गया, देयरफॉर इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ये हो गया आपका प्रूफ्ड। ठीक है मित्रों, प्रूफ्ड हो गया। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, हाँ तो बच्चों आपने क्वेश्चन पढ़ लिया और मैंने भी यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया। क्वेश्चन में दिया हुआ है लेट ए बी, लेट ए एंड बी बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, देन सो दैट ए प्लस बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस कुछ करना नहीं है, ट्रांसपोज ट्रांसपोज खेलना है आपको, सिर्फ ट्रांसपोज ट्रांसपोज खेलना है इसमें, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में कुछ करना है नहीं बस। ठीक है, तो चलिए हम लोग ए प्लस बी, ए प्लस बी को हम लोग कुछ मान लेते हैं, चलिए ए प्लस बी को हम लोग पी मान लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस बी का ट्रांसपोज, लिखेंगे नहीं मित्रों, लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे आपका पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या दिया हुआ, इफ ए एंड बी आर क्या दिया हुआ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो मतलब पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज क्या लिख सकते हैं, ए और बी ट्रांसपोज को बी, तो यहाँ पर आ रहा पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी के बराबर आ रहा, देयरफॉर क्या होगा, इट इज सिमेट्रिक। अब आपको तो क्वेश्चन सब याद हो गया हुआ है ना मित्रों, सॉरी बच्चों, है ना क्वेश्चन याद हो गया, ये आपका फर्स्ट, आपका सेकंड, फर्स्ट सॉल्व हो गया, सेकंड आप सॉल्व कीजिए। देखिए ए बी माइनस बी ए को आप क्यों मान लिए, कुछ भी मान सकते हैं, ए बी ए से लेकर जेड तक जितना आप कुछ भी मान सकते हैं, आपका मन जो मान लीजिए, मैं क्यों मान ले रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, क्यू टी इज इक्वल्स टू क्यू टी, क्यू टी इज इक्वल्स टू ए बी माइनस बी ए, गलत मत समझिएगा, क्यू टी इज इक्वल्स टू ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज क्यू टी। ठीक है, तो अब आप इसको कीजिए, क्यू टी क्यू टी क्यू टी इज इक्वल्स टू ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज क्यू टी, वाह क्या नाम है क्यू टी। ठीक है, फिर आप इसको कीजिए, क्यू टी इज इक्वल्स टू यहाँ पर मल्टीप्लाई तो उल्टा होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, सॉरी ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, ये होगा। अब ए और बी सिमेट्रिक्स है तो बी, बी ट्रांसपोज को बी, ए ट्रांसपोज को ए माइनस ए ट्रांसपोज को ए और बी ट्रांसपोज को बी। ठीक है, अब यहाँ क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, नीचे दिख रहा ना, दिख रहा नहीं दिखेगा, बोलिएगा बोलिएगा कैसे, आपको तो मन की बातें सुनाई दे देते हैं मित्रों, मन की बातें सुनाई दे देती है। ठीक है, नहीं बोलेंगे तभी मुझे सुनाई दे देगा। ठीक है, सब समझता हूँ, यहाँ माइनस कॉमन लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे तो ए बी माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ गया आपका क्यू टू इज इक्वल टू माइनस क्यू। ठीक है, क्यू टू इज इक्वल टू माइनस क्यू आ गया, क्यू टू इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस क्यू, देयरफॉर देयरफॉर इट इज स्क्यू सिमेट्रिक, इट इज स्क्यू सिमेट्रिक, क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अब थर्ड वाला सॉल्व करते हैं मित्रों, मित्रों मित्रों बार बार बोल रहा हूँ बच्चों, थर्ड वाला क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं, मोदी जी का मुझ में भी आदत हो गया लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए बी प्लस बी ए को आप कुछ भी मान लीजिए, क्या मानेंगे, जो मान लीजिए बी मान लीजिए, नहीं बी नहीं मजा आएगा, एम मान लीजिए। ठीक है, एम ओ टी रहता था ना, मजा आता एम ओ टी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एम टी, एम ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज। ठीक है, हो गया ये, फिर हम लोग लिख सकते हैं एम ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं एम ट्रांसपोज, तेज तो नहीं बता रहा हूँ ना, बोलिएगा, एम ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, ए बी ए एंड बी आर सिमेट्रिक, देयरफॉर एम ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ए, बी ट्रांसपोज को बी, ए ट्रांसपोज को ए और ए ट्रांसपोज को ए एंड बी ट्रांसपोज को बी। ये हो गया मित्रों, ये हो गया एम ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसको पहले लिख दिया ए बी को, ए बी प्लस बी ए, इसको क्या आ जाएगा, एम ट्रांसपोज इज इक्वल टू एम, आया आया कि नहीं, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक, इट इज सिमेट्रिक। तो ये हम लोग ने तीनों क्वेश्चन प्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन, बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
हाँ तो बच्चों आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन उसी तरह है, याद कीजिए वो दिन मतलब याद कीजिए वो समय जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया था। क्या कराया था? ए इक्वल्स टू हाफ ए प्लस 80 एंड हाफ ए माइनस 80 वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे वो देखिए, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, हम लोग इसको ए को लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बच्चों? हम लोग बोला सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू, मतलब हाफ ए प्लस 80 लिख देते हैं और प्लस हाफ ए माइनस 80 लिख देते हैं, ठीक है। इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक। हम लोग ए इज इक्वल टू इसको मान लेते हैं पी, पी प्लस क्यू हो गया, ठीक है। पी प्लस क्यू हो गया, इसको पी मान लिए और इसको क्यू मान लिए, ठीक है। तो पी प्लस क्यू हो गया, यहाँ पर आप लिखिए पी ट्रांसपोज, सॉरी यहाँ तो ट्रांसपोज मत लिखिए। पी इज इक्वल टू क्या है? पी इज इक्वल टू हाफ ए प्लस 80 है, क्या है? हाफ ए प्लस 80 वैल्यू पुट कीजिए, पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? हाफ ए मैट्रिक्स क्या है यहाँ पर बच्चों? ए मैट्रिक्स आपका 3, 2, 3, 4, 5, 3 और 2, 4, 5, ये है। प्लस क्या है? ए ट्रांसपोज लिख दिए, ए ट्रांसपोज तो अब आप मतलब क्या ही बोल रहे हैं हम, 3, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 4। यहाँ पर जो न्यू बच्चे आए होंगे, पहले वाले लेक्चर नहीं देखे उनको, उनको तो समझ ही नहीं आ रहा होगा यहाँ पर हो क्या आ रहा है, सब ऊपर ऊपर पा रहे होगा। लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, आप लोग पहले वाला लेक्चर देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको इसको ऐड कीजिए, ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स ब्रैकेट के अंदर है, पहले ऐड कीजिए इसको। तो पी इज इक्वल टू हो जाएगा मित्रों बच्चों हो जाएगा आपका, आपको पता है ऐड कैसे होता है, जो A11 के साथ जो एलिमेंट जिसका पोजीशन है उसी पोजीशन के साथ ऐड होता है, मतलब 3 + 3 = 6, 2 + 4 = 6, 3 + 2 = 5, 3 × 3 = 6, 4 × 2 = 6, 3 × 2 = 5, फिर यहाँ हो जाएगा 4 × 2 = 6, 5 × 5 = 10, 4 × 3 = 7, 3 × 2 = 5, 4 × 3 = 7 और 5 × 5 = 10, सही है ना? ऐड सही किया है ना? 3 × 3 = 6, 4 × 2 = 6, 5 × 5 = 10, 4 × 3 = 7, 3 × 2 = 5, 4 × 3 = 7, 5 × 5 = 10, सही है। अब आप हाफ अंदर ले जाइए, हाफ को अंदर ले जाते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ भी आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा आपका 5/2, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 7/2, यहाँ हो जाएगा 5/2, 7/2 और यहाँ हो जाएगा आपका 5, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 5। अब आपको यहाँ पर क्या निकाल दीजिए? पी ट्रांसपोज निकाल दीजिए। पी ट्रांसपोज निकालेंगे तो बच्चों क्या आएगा? रोको कॉलम में लिख दिया तो 3, 3, 5/2, 3, 5, 7/2, ठीक है। यहाँ 5/2, 7/2 एंड 5, ठीक है। ये आ गया आपका पी ट्रांसपोज, ठीक है। ये आया आपका पी ट्रांसपोज। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ आपने क्यू भी माना था, क्यू इज इक्वल टू क्या माना था? हाफ ए माइनस 80, ठीक है। तो यहाँ पर क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? हाफ ए मैट्रिक्स क्या है? ए मैट्रिक्स आपका 3, 2, 3, नीचे तो नहीं दिख रहा होगा आपको, अब दिख रहा, मैं बोला ना आपके दिल का बात सुन लेता हूँ, 4, 5, 3 और यहाँ 2, 4, 5, ठीक है। माइनस ए ट्रांसपोज लिख दीजिए, 3, 2, 3, 4, 5, 3 और 2, 4, 5, ठीक है। यहाँ बता रहा हूँ, देखिए इधर साइड बता रहा हूँ, इधर साइड देखिए बच्चों, इधर साइड देखिए, यहाँ तो आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा है ना? अब दिख रहा है, ठीक है। माइनस कीजिए, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा? क्यू इज इक्वल्स टू, यहाँ थोड़ा नीचे बताता हूँ, क्यू इज इक्वल्स टू क्या होगा? हाफ माइनस करेंगे तो क्या आएगा? देखिए 3 - 3 = 0, 3 - 3 = 0, 2 - 4 - 4 और 3 - 2 = 1, 4 - 2 = 2, 5 - 5 = 0 और 3 - 4 - 1 और क्या है? 2 - 3 क्या है? 2 - 3 - 1, 4 - 3 = 1, 5 - 5 = 0, ठीक है। ये हो गया। अब आप 1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1/2 मल्टीप्लाई क्या आएगा? 0 - 1, यहाँ आएगा आपका क्या आ जाएगा?
वन बाई टू, ठीक है। यहाँ आ जाएगा आपका वन, यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस वन बाई टू, यहाँ हो जाएगा आपका माइनस वन बाई टू, यहाँ हो जाएगा वन बाई टू और यहाँ हो जाएगा आपका जीरो, ठीक है। यही होगा ना, हाँ यही होगा। इसको आप दो तरीक़े से आप दिखा सकते हैं मित्रों, मतलब बच्चों, इसका आप इसका आगे आप दो तरीक़े से दिखा सकते हैं, ठीक है। इसको आप कैसे दिखा सकते हैं, यहाँ आपको क्लियरली दिख रहा है, यहाँ माइनस वन, यहाँ वन, वन माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू, वन बाई टू, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और यहाँ पर देखिए हम लोग ने यहाँ आपका ट्रांसपोज निकाले, ट्रांसपोज निकाले तो क्या आया, वही आया जो था, वही आया यहाँ पर आया आपका पी टी इज इक्वल्स टू पी आ गया, ठीक है, पी टी इज इक्वल्स टू पी आ गया, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप क्यू टी निकाल दें, क्यू टी, क्यू टी आप निकाल देते क्या आएगा, जीरो माइनस वन, वन बाई टू, वन जीरो माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू, वन बाई टू एंड जीरो आएगा, ठीक है। माइनस कॉमन लीजिए सबसे, क्यू टी इज इक्वल टू माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, माइनस यहाँ कॉमन ले लिया तो जीरो माइनस वन, वन बाई टू, वन जीरो माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू, वन बाई टू एंड जीरो, यहाँ पर आ गया क्यू टी इज इक्वल्स टू माइनस क्यू आ गया, यही आया ना, क्यू टी इज इक्वल्स टू माइनस क्यू आ गया। और हम लोग यहाँ पर लिखे हैं ए मैट्रिक्स जो है वो पी प्लस क्यू का सम है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका हो गया सिमेट्रिक, ये हो गया आपका सिमेट्रिक, पी मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स और क्यू मैट्रिक्स आपका स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। देयरफॉर यहाँ पर आप लिख सकते हैं, देयरफॉर इट इज द सम ऑफ, इट इज द सम ऑफ सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है बच्चों, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, मजा आया। ये क्वेश्चन अगर आएगा तो 6 नंबर में आएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, हाँ तो बच्चों आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है, कोई फायदा नहीं लिखने का। तो यहाँ पर दिया हुआ है सो दैट ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक, ठीक है। हम लोग यहाँ पर शो करना है ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ, पावर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, ठीक है। चलिए प्रूव करते हैं इसको, कैसे प्रूव करेंगे। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं ए कोई मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है बच्चों। और जो यहाँ एन बिलोंग करेगा वो एन तक करेगा, क्यों करेगा अभी मैं बता रहा हूँ, एन इसलिए करेगा क्योंकि बोला एवरी पॉजिटिव इंटीग्रल, क्या बोला, एवरी ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, ऑल पॉजिटिव, तो नेचुरल नंबर में सब पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो सब पॉजिटिव ही होता है नेचुरल, इसलिए मैंने एन बिलोंग्स टू एन लिखा था। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए के पावर एन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए डॉट ए डॉट ए डॉट 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 एन टाइम्स, एन टाइम्स, ठीक है, एन टाइम्स तक जाएगा, ठीक है, ये जाएगा आपका एन टाइम तक, ठीक है। अब इसका आप ट्रांसपोज निकालिए, ए एन का ट्रांसपोज, सिर्फ ट्रांसपोज ट्रांसपोज खेलना है इस टॉपिक में, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू सब में ट्रांसपोज आ जाएगा, तो ए ट्रांसपोज टू ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज डॉट 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 एन टाइम्स तक आएगा, एन टाइम्स तक आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे ए एन का ट्रांसपोज, और ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज सब ए ही हो जाएगा, तो ए इंटू ए इंटू ए डॉट 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 एन टाइम्स, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये आ गया आपका ए एन का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आपका ए एन आ गया, देयरफॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ, हुआ ना मित्रों सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हो गया बहुत आसान से कॉल, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व लेवल 2 का क्वेश्चन था आर डी शर्मा का, सिर्फ कॉन्सेप्ट चाहिए था, क्वेश्चन ईजी था, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, हाँ तो बच्चों आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, और मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखा है, मुझे मन नहीं है पढ़ाने का, मैं जा रहा हूँ। नहीं बच्चों ऐसा नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा दिल से पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ बच्चों ए मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक इज अ नल मैट्रिक्स, यहाँ पर बोल रहा है एक मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक्स भी है और स्क्यू सिमेट्रिक्स है, और हम लोग को दिखाना है कि वो नल मैट्रिक्स क्या होगा, नल मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। हम लोग को दिखाना है एनसीईआरटी एग्जांपल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बच्चों चलिए इसको सॉल्व करते हैं, लेट सपोज हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पर मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है। मान लेता हूँ ए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, ठीक है, और ये क्या है सिमेट्रिक है, क्या है सिमेट्रिक है, ठीक है।
सिमेट्रिक है, बहुत बढ़िया। तो मैंने बताया था बच्चों यहाँ पर जो अगर सिमेट्रिक होता है उसका एक कंडीशन होता है ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई होता है, बताया था क्यों ए जे आई होता है, तो साइड में बताता हूँ। यहाँ पर देखिए क्यों ए जे आई होता है, मैं भी आपको तो पता होगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स ड्रॉ कैसे करते हैं, 1 2 3 2 3 4 5 यहाँ पर 5 यहाँ पर 0, यहाँ पर देखेंगे आप तो A13 में एलिमेंट इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू A31 एलिमेंट होगा, आप चेक कर लीजिए, कोई भी एलिमेंट चेक कर लीजिए यहाँ पर 0 इक्वल होगा, A12 एलिमेंट 2 इज इक्वल टू A21 एलिमेंट 2, तो इसका मतलब ये आपका आई है, ये आपका जे है, ठीक है। तो यहाँ पर यही मतलब है ए आई जे, और यहाँ पर देखिए आई जे उल्टा हो गया इज इक्वल टू ए जे आई, बस यही मतलब मैंने आपको बताया है, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई होगा, इसको कंडीशन नंबर 1, ठीक है। अब मान लीजिए ए ही कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, ठीक है, नीचे दिख रहा है, दिख रहा है ए आई जे, और ये है आपका स्क्यू सिमेट्रिक, क्या है स्क्यू सिमेट्रिक। तो एक कंडीशन होता है मैंने बताया स्क्यू सिमेट्रिक्स में, ये होता है आपका ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई होता है, यहाँ पर माइनस होता है, क्यों माइनस होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैंने आपको ड्रॉ करना बताया, 1 2 3 यहाँ -2 -3 4 5 यहाँ -5 यहाँ 0 हो गया, ये स्क्यू सिमेट्रिक्स, यहाँ देखिए 2 है तो यहाँ -2 है, 3 है तो यहाँ, अगर आप यहाँ A13 देखेंगे तो A13 3 है और A31 देखेंगे तो यहाँ -3 है, तो हो गया ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई हुआ ना, तो बस यही बात है, ठीक है। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, ठीक है, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। अब इधर देखिए, इधर देखिए फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं, थ्रू लिख सकते हैं ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए आई जे लिख सकते हैं, ठीक है, ए आई जे को इधर लिख आइए तो ये हो जाएगा 2 ए आई जे इज इक्वल टू 0, तो यहाँ ए आई जे इज इक्वल टू 0 हो गया, और यहाँ हो गया आपका प्रूव्ड कि इसका हर एक एलिमेंट 0 होगा, और ये होगा नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होता है, हर एक एलिमेंट 0, तो ये हो गया आपका प्रूव्ड, ठीक है, ये हो गया आपका क्या हो गया बच्चों, प्रूव्ड, ठीक है। तो बच्चों और क्वेश्चन करा दूं क्या, और क्वेश्चन, और एक ही क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन करा देता हूं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2001 में आ चुका है, हाँ। तो बच्चों आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ, हम लोग को प्रूव करना है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज होगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, सिर्फ ट्रांसपोज ट्रांसपोज हम लोग खेल रहे हैं क्या बच्चों, नुक्कड़ छुपी भी कभी खेल लिया करें, पढ़ाई में सिर्फ ट्रांसपोज ट्रांसपोज खेलाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को प्रूव करना है ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, तो यहाँ पर लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है, ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स आप 2 4 3 5 माइनस ट्रांसपोज लिख दीजिए, इसका कौन सा बड़ा बात है, लिख दीजिए 2 4 3 5 हमको तो लिखना ही गया, आप इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने पर क्या आ रहा, 2 - 2 0 4 - 3 1 3 - 4 - 1 और 5 - 5 0 यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आप क्या दिख रहे हैं, डायगोनल 0 है पहला बात, A12 इज इक्वल टू 1 है और A21 यहाँ पर -1 है, देयरफॉर इट इज HQ symmetric, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैंने सब करा दिया, 17-18 क्वेश्चन तो मैंने करा ही है, ठीक है, बहुत मज़ा आया होगा आपको इस लेक्चर में, बहुत बड़ा लेक्चर भी बन गया, ठीक है। तो मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में मैं सब खत्म कर देता हूँ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसलिए मैंने एक ही वीडियो में सब क्वेश्चन खत्म कर दिया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपका होता है मैट्रिक्स का पूरा क्वेश्चन, मतलब मैट्रिक्स पूरा आपका खत्म होता है, मैट्रिक्स चैप्टर यहाँ पर आपका समाप्त होता है, ठीक है। तो बच्चों आप अगर 1 से जितना मैंने लेक्चर कराया है मैट्रिक्स का सब अगर देख लेंगे तो आपको मैट्रिक्स में दिक्कत होने वाला नहीं है, और जो नहीं देखा वो देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं और नॉलेज के भी क्वेश्चन कराए हैं लेवल 2 का आर डी शर्मा का, ठीक है। सिर्फ मैं मार्क्स लाने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं नॉलेज के लिए भी पढ़ा रहा हूँ बच्चों, ठीक है, इसलिए मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करा देता हूँ, यूट्यूब में इतना कोई नहीं कराएगा, जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।